बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास स्टूडेंट्स, आई नेम इज़ हेयर फॉर योर मैथ्स लेक्चर। स्टूडेंट्स, अवर 14th लेक्चर इज अबाउट एक्सरसाइज नंबर 7B, पेज नंबर 103 एंड एक्सरसाइज नंबर 7B, क्वेश्चन नंबर 6। आदिल सेव्स 16% ऑफ हर मंथली सैलरी। इफ़ ही गेट्स 21,000 पर मंथ, हाउ मच डज शी हैव एवरी मंथ। उससे कहा आदला जो है वो 16% अपनी सैलरी का जो है वो सेव करती है। अगर वो टोटल मंथ में अपनी सैलरी लेती है 21,000, तो बताएं सर वो कितना सेव करती है। तो बेटा यहाँ देखिएगा, सेविंग हमारे पास है 16% और इसमें इनकम हमारे पास ली हुई थी 21,000, तो हम लोगों ने फाइंड करनी है उसकी सेविंग। तो सेविंग के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 16% उसकी इनकम के साथ उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 16% मीन्स है 21,000 मल्टीप्लाई बाई 16/100 परसेंटेज है, इसलिए हम लोग इसे 100 के साथ डिवाइड कर देंगे। जीरोस कैंसल टू ईच अदर, 210 मल्टीप्लाई विथ 16 इज़ द 3,360 रुपीज़। इट्स अ सेविंग ऑन इनकम इज़ 21,000। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 7 का देखेगा, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल इज 1650। 70% ऑफ पीपल्स आर बॉयज़, हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर इन अ स्कूल। फर्स्टली हम लोग यहाँ पर लिखेंगे टोटल स्टूडेंट्स इन स्कूल इज 1650। बॉयज़ परसेंटेज कितनी से मिली थी 70%, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स हम लोगों ने फाइंड करनी है। हम लोगों ने गर्ल्स की परसेंटेज फाइंड नहीं करनी है, हमें उनके नंबर्स को फाइंड करना है कि कितनी तादाद है वहाँ पर। तो नंबर ऑफ बॉयज़ हम लोग पहले फाइंड कर लेंगे। तो नंबर ऑफ बॉयज़ के लिए क्या होगा, 70% मल्टीप्लाई विद द 1650 जो उसकी टोटल स्ट्रेंथ थी। तो मेरे पास जब मैंने इसे मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 1155, इट्स द नंबर ऑफ बॉयज़। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ गर्ल्स कैसे फाइंड करेंगे, हम टोटल स्ट्रेंथ में से नंबर ऑफ़ बॉयज़ को माइनस कर देंगे। 1650 माइनस 1155, द आंसर इज़ 495, एंड 495 इज़ द नंबर ऑफ़ गर्ल्स इन अ स्कूल। अंडरस्टैंड क्लास। उसके बाद हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8। इन क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ अ पार्टनर इन अ बिजनेस हैविंग 60% शेयर गेट्स ₹9,000 एज प्रॉफिट एवरी ईयर, फाइंड द टोटल प्रॉफिट मेड बाय द बिजनेस इन अ ईयर। उसने कहा एक पार्टनर है जिसका अपना बिजनेस 60% शेयर पे और उसे 9,000 मिल रहा है ईयरली सेविंग पे, तो उसने अपने से कहा प्रॉफिट पे, तो फाइंड द टोटल प्रॉफिट मेड बाय द बिजनेस इन अ ईयर। तो बताएं सला बिजनेस जो है वो हर साल कितना प्रॉफिट कमा रहा है, ये हम लोगों ने बताना है। शेयर परसेंटेज कितनी है पार्टनर की, वो हमारे पास है 60%। उसके बाद प्रॉफिट वो कितना ले रहा है, वो ले रहा है 9,000। तो ये भी प्रॉफिट इन बिजनेस, बिजनेस का प्रॉफिट हम लोगों ने देखना है कि वो कितना हमारे साल पे है, ये आप लोगों ने बताना है। तो 60% ऑफ प्रॉफिट इज 9,000। अगर 60% शेयर पे है तो कितने प्रॉफिट ले रहा है, 9,000 ले रहा है। तो 60% मीन्स डैट 60/100 ऑफ मीन्स डैट मल्टीप्लाई एंड प्रॉफिट इज इक्वल टू 9,000। मल्टीप्लीकेशन ऑन द अदर साइड कन्वर्ट इन टू डिवाइड मीन्स डैट जो 60/100 है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा और बन जाएगा 100/60। ठीक है, और जब 100/60 होगा तो 0 एंड 0 कैंसिल, 6 × 6 एंड 6 × 50 इज 900, 150 मल्टीप्लाई 100 इज 15,000। इट मीन्स डैट हमारे पास जो बिजनेस है वो ईयरली प्रॉफिट कमा रहा है कितना, 15,000 का। ठीक है, जिसमें से 9,000 जो है वो 60% शेयर पे वो पार्टनर जो है वो ले रहे हैं। इन क्वेश्चन नंबर 9, शाहिद स्कोर 338 मार्क्स आउट ऑफ द टोटल ऑफ 400 इन हिज फाइनल एग्जामिनेशन, व्हाट परसेंट ऑफ टोटल डिड ही गेट। उसने कहा कि शाहिद जो है वो 338 मार्क्स ले रहा है 400 में से, तो बताएं जरा कि उसकी परसेंटेज क्या होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट हियर द ऑब्टेन मार्क्स इज 338 एंड टोटल मार्क्स आर 400। द परसेंटेज इज ऑब्टेन बाई टोटल मल्टीप्लाई विद 100, ऑब्टेन इज 338, 400 इज टोटल एंड मल्टीप्लाई विद 100, जीरोज एंड जीरोज कैंसिल एंड व्हेन 338 डिवाइडेड विद 4 द आंसर इज 84.5%। इट मीन्स डैट कि हमारे पास 338 और 400 के हमारे पास जो परसेंटेज आ रही है उसकी वो 84.5% है। उसके बाद बेटा आप लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसे स्किप कर दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाए सर, फिल इन द ब्लैंक्स। और फिल इन द ब्लैंक्स में हमारे पास उसने फ्रैक्शन दी हुई है, उसमें आप लोगों से कुछ में कहा हुआ उसने कि आप लोगों ने इक्वलेंट उसकी जो परसेंटेज है आप लोगों ने वो फाइंड कर लेनी है। तो बी में देखिएगा हमारे पास लिखा हुआ है यहाँ पे 3/4, तो 3/4 को अपने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो 3/4 मल्टीप्लाई विथ 100, 4 25 आर 25 मल्टीप्लाई 3 इज 75 इज आंसर।
और कुछ में से परसेंटेज दी हुई है, आपने उसकी फ्रैक्शन फाइंड करनी है। तो 25% मीन्स दैट 25/100 व्हेन बोथ आर कैंसल टू ईच अदर द आंसर इज 1/4। सो राइट फ्रैक्शन इज 1/4। 7/10 कन्वर्ट इनटू परसेंटेज, मल्टीप्लाई विथ 100 कैंसल एंड 10/7 इज 70%। बेटा इसी तरह से आप लोगों के ये वाले क्वेश्चंस हैं, जो परसेंटेज में फाइंड करना होगा उसे हंड्रेड के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, जब परसेंटेज से आप लोगों ने फ्रैक्शन फाइंड करनी है तो आपसे हंड्रेड के साथ डिवाइड कर देंगे। सो बेटा डू प्रैक्टिस एट होम, गॉड ब्लेस यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।